शर्मा शो। कपू या कपू 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 देखते रहे क्या गिफ्ट लाई हूँ मैं ये इसका मैं क्या करूँगा इससे अच्छा ऊनी मोजे दे दी सर्दी में पहनता तो सही मैं कपू शर्मा डोंट मेस विद मी हियर आई एम टेलिंग यू मैं बता रहा हूँ अदरवाइज मेरे हैंड प्रिंट हो जाएंगे आपकी गाल के नियर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक देने आई हूँ सो जस्ट शट अप एंड हियर एक बात बताओ विद्यावती जी आप टीचर है कि अपने मोहल्ले की अनूप जो लौटा है आप जब देखो आपको गाने में इंटरेस्ट रहता है इतनी अच्छी गद्दी भगवान ने दी हुई सर के ऊपर इसके ऊपर खड़ा रख के पानी भर के ले आओ जाके अच्छा माया पाजी यूटिलाइज नहीं करती इसमें एक काम करो ना इसमें छेद करा के ना इसमें पानी डाल लिया करो जब तुम ब्रश करोगे ना ऐसे ऐसे करके तो इधर से निकल पागल कहेंगी ओह करण सर आपका बहुत बहुत स्वागत है ओ कैसे आप ये बट ऐसे कौन लेके आता है मेहमान को तुम मैं क्या करती ऐसे हाथ बांध के कोई लेके आता है मेहमान को तुम मैं क्या करती कप्पू जब भी मैं इसको लेने के लिए जाती कोई अवार्ड फंक्शन होस्ट कर रहा होता तो मुझे भी समझ में आ गया कि घी जो है वो सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो पूरा पूरा का डब्बा उठा के ले आई मैं लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम टू द 64th एडिशन ऑफ द कपिल शर्मा शो इसको रोक ये तो शुरू हो गया वरना होस्टिंग के पैसे लेगा बाद में तुझसे तेरी दुकान बंद करण जी मैं बता दूं मैं विद्यावती मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ इससे पहले मैंने ऐसा किसी को नहीं कहा यस लेकिन नानी ने जो आपके साथ हरकत की है ना इतनी बेहुदा हरकत नानी ने मुझे जो नानी याद दिला दी वाकई ऐसी शक्ल लेके तुम सर के घर कैसे घुसी तुम्हें इतनी सिक्योरिटी होती वहां पर जवाब दो दे रही हूँ टाइम ले रही है अरे अगर सारा रास्ता बंद हो जाए ना तो ऊपर वाला एक रास्ता खोल देता है सिद्धू साहब कैसा गटर का जी जी मैं बांद्रा के नाले में कूदी डुबुक इसके बाथरूम से निकली पुतू इसको उठा के ले आई अरे गटर में बदबू नहीं आई आपको अरे जिसके ताजा ताजा हुआ हो जुकाम बदबू क्या बिगाड़ेगा उसका काम अच्छा चल चल ठीक है तेरे हाथ खाली क्यों है स्वागत के लिए कपूर नहीं लाई अरे सारे कपूर तो इनको डेट्स देके बैठे मैं कहां से ले आऊं झल्ली जलाने वाले कपूर की बात कर रही हूं ओ अच्छा अच्छा वो इतनी सारी चीजें लानी थी ना तो उस चक्कर में कपूर भूल गई इतनी सारी चीजें कहां है माला लाई माला वो इतनी सारी चीजें लानी थी ना चक्कर में माला भूल गई आरती की थाली लाई वो इतनी सारी चीजें लानी थी ना चक्कर में आरती की थाली भूल गई खुद को लाना नहीं भूली जा दफा हो जा जाकर के सामान ले आ चल वैसे एक बात बताओ कपूर तुझे क्या करण और तेरे नाना में ना कुछ ज्यादा फर्क नहीं है मतलब सच्ची में इसके नाना में हाँ और मुझ में ऑफ कोर्स इसका नाना भी ना उत्तम कोटी का डायरेक्टर था अच्छा हाँ नानी मेरी बात सुन ये लोगों को रास्ते में बैठ के रास्ता बताना ना कि अच्छा दीनदयाल का घर इधर से मुड़ो वो डायरेक्शन नहीं होती निकम्मापन होता है फालतू में आदमी बैठा कोई रास्ता पूछ लेता है बकवास कर रही है अरे मैं बैठ के मुक्का मारूंगा तेरे घुटने पे मैं बकवास नहीं कर रही हूँ मैं सच्ची कह रही हूँ बहुत बड़ा डायरेक्टर था सिद्धू साहब वो मुझे लेकर एक फिल्म बनाने वाला था सूखी जमीन फिर अचानक हमारे गांव में बहुत तेज बारिश हो गई जमीन गीली हो गई और उसी जमीन पर मैं फिसल कर गिर गई मेरी हड्डी टूट गई मैं फ्रैक्चर हो गया तुझे पता है तेरे नाना का कितना नाम था एक बार अगर वो किसी को जुबान दे देना दोबारा वापस नहीं लेता था वो तो पूरी बात तो बता क्यों नहीं वापस लेते थे हैं? एक बार सांप उनको यूं यूं कर रहा था नाना को लगा चिढ़ा रहा है वो भी यूं यूं करने लगा था सांप ने ऐसे पुटिच करके खींच ली बाद में सी यू करके गया सी यू सारे गांव वाले कहते हैं दीनदयाल किसी को जुबान देता लेता नहीं करण सर आपको एंटीक चीजों का बड़ा शौक है ना इनको ले जाइए कहीं रख देना अपने ऑफिस में एंटीक होगी तेरी माँ की माँ तो वही तो बोल रहा हूँ मेरे भी आ गया नानी तू बहुत परेशान कर रही है करण सर को तो मैंने पकड़ के रखना है तू क्या कर रही है तू इतनी देर से जब तेरे को बोला था करण सर आएंगे तो आराम से रहना तू क्या कर रही है नानी चल सीधे तेरे हाय अपनी माँ से ऐसा बर्ताव नहीं माँ की माँ है मेरी माँ नहीं हाय नानी इस इमोशन में आपके बाल उगने लगे नानी उठ जाइए
और इनका क्या करे, जो दिया उसका भी भला, जो ना दिया उसका भी भला। ओह माय गॉड, मैं आपकी आरती कर रही हूं तो भूल ही गई, एक सेकंड। हां अच्छा। यस करण जी। हां जी। जो आपने मेरे चावल गिरा दिए ना, मेरे दो दिन की रोटी, आपको भरपाई करनी पड़ेगी। देखिए आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनाई, लेकिन टीचर के बिना स्टूडेंट कहां से आ गए, तो आपको टीचर ऑफ द ईयर बनाने पड़ेगा। ठीक है, मुझे लेके टॉटी। यस, मैंने टाइटल ट्रैक भी रेडी रखा है। ओके, गाली दे। एक तो आप लता जी का गाना गाती है, मुंह कैलाश खेर वाला क्यों बनाती हैं आप? अपने काम से काम रखो तुम। ओके, अपने काम से काम रख रहा हूँ, आपके काम से काम रख रहा हूँ। शट अप, लेट मी कंसंट्रेट। करण सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आइए सर, पधारिए। मैं सोफे पे कहाँ बैठ जाऊँ? सर पूरा सोफा आपका है। सबसे पहले आपको ए दिल है मुश्किल के लिए ढेर सारी बधाइयां सर। थैंक यू सर। ये बताइए हमारे दर्शकों को कि इस बार आपको फिल्म बनाने में ज्यादा मुश्किल आई कि रिलीज करने में? देखिए अभी मैं क्या बताऊं, बनने तो बन गई थी पिक्चर, रिलीज के दौरान अब मैं क्या बताऊं, मैं क्या कहूं, मैं कुछ कह भी नहीं सकता, कुछ कहूं तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं ना कहूं तो बेहतर है। भाजी मुझे पता नहीं क्यों लगता है करण सर को ना बचपन में ज्योमेट्री का बड़ा शौक होगा। आजा? इनकी फिल्में देख लो आप, लव ट्रायंगल बड़े होते हैं। मतलब आपको सीधा सीधा इश्क समझ में नहीं आता सर के? नहीं, आई मीन आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है लव ट्रायंगल बनाने का। अरे इश्क से बड़ी टेढ़ी चीज बनी नहीं है कपिल, इश्क कहां से? अगर इश्क सीधा हो गया फिर क्या फन हुआ? कोई फन नहीं है, देयर इज नो फन। अच्छा करण सर, लोग कई लोग कहते हैं, बड़ी सारी धारणा है, कुछ लोग कहते हैं आपने DDL जैसे शुरुआत की एक्टिंग डेब्यू की, कुछ लोग कहते हैं बॉम्बे वेलवेट से, लेकिन हमें किसी और ने बताया कि आपने इंद्रधनुष नाम के सीरियल से आपने एक्टिंग की शुरुआत की। भगवान, मुझे क्यों मेरे बचपन के बुरे सपने याद दिला रहे हो तुम कपिल? मतलब आपको अच्छा नहीं लगा था जब आपने इंद्रधनुष? मैं आपको ए सीरियल के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा जी। ये था सीरियल, मैं 15 साल का था। अच्छा। तो आनंद महेंद्रू थे इस सीरियल के निर्देशक जी। तो उन्होंने मेरी मम्मी को फोन किया कि मैंने सुना आपका एक मोटा बेटा है। अच्छा। तो मुझे एक मोटे बच्चे की बहुत जरूरत है। तो माय मदर, जो ऐसी प्रोटेक्टिव मदर्स होती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो पप्पी फैट है वैसे मेरा कोई। लेकिन वो कोई, मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा था और माँ का दिल वो ममता जाग उठी। उन्होंने कहा नहीं थोड़ा पपी फैट है फिर भी भेज देती हूँ। अच्छा। तब फिर उन्होंने कहा कि माय ऑफिस इज इन 4 बंगलोज। ओके। तो मैं साउथ बॉम्बे का बेटा था, मुझे क्या पता था। मैंने बोला बट विच बंगलो डू यू लिव इन? नो नो, एरिया का नाम है 4 बंगला। अच्छा। तो मुझे पता नहीं था मैं मालाबार हिल में पैदा हुआ हूँ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं पहुंच गया। तो मैं पहुंच गया ऑडिशन बदौर मुझे देनी थी, तो 1 बजे पहुंच गया। आनंद महेंद्रू थोड़ा लेट उठते हैं, वो कुछ आपकी तरह है। और तो वो थे, तो मैं एक छोटे से कमरे में 4 बंगले के कोई ऑफिस थी, मैं वहां बैठा हुआ था और मेरे ऑपोजिट कोई ऐसे कोई जाने पहचान से लग रहे थे, मैंने पहचाना नहीं, वो न्यूज़पेपर में कोई क्रॉसवर्ड कर रहे थे और चाय पी रहे थे 1 after the other नॉनस्टॉप। तो मैंने वहां बैठा हुआ था, 1, 2, 3 कुछ 5 बज गए, वो आनंद महेंद्रू जी नहीं आए जी। तो 5 बजे आनंद महेंद्रू का कमरा का दरवाजा खुला और वो बाहर आए, और सिर्फ 2 थे, एक वो इंसान जो मैंने पहचाना नहीं और मैं ऑपोजिट बैठा हुआ था, मैं कुछ 100 किलोस का वह डब्बा बैठा हुआ था। तो वो आ गए, तो उन्होंने सीधा मुझे इग्नोर किया और सीधा उस इंसान की तरफ गए, उनसे सॉरी मैंने आपको वेट करवाया लेकिन मैं थोड़ा बिजी था। तो ही सेड नहीं मैं एक्चुअली ना कहने आया था, मैं ये रोल करना ही नहीं चाहता, मैं एक्चुअली फिल्में करना चाहता हूँ, मुझे आपके ऑफिस का चाय बहुत पसंद है और ये न्यूज़पेपर में ये क्रॉसवर्ड था तो मैं खत्म करके जाना चाहता था। अच्छा। तो ही सेड 4 घंटे आप यही बैठने के लिए आपने, ताकि आप मुझे ना कह सके, इसलिए आप 4 घंटे यहाँ आपने वेट किया? ही सेड हाँ। तो मैंने कुछ नहीं कहा, फिर उसके बाद आनंद महेंद्रू बहुत खफा हुए और वे वापस आए और मेरी तरफ के आओ आओ बेटा, यू आर वेरी फैट, आई एम वेरी हैप्पी। एंड तो वो बैठ गए और तो मैंने कहा ही सर जानते हो वो लड़का कौन था? ऐसे नहीं मैं नहीं जानता कौन था। ही सर अरे बाबा ये छोटी सी सीरियल की, उसने इसका नाम है शाहरुख खान और उसका लाइफ में कुछ नहीं होने वाला और आप देख लो ये तस्वीर मुझे दिखाई, पता नहीं वो कौन था। तो ही सर इसको मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बनाऊंगा, अब आप देख लीजिए कि वो जो तस्वीर उसने भी दिखाई उसका लाइफ में कुछ नहीं हुआ। अब जिसने मुझे दिखाई उसके बारे में मैंने ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरी पहली मुलाकात वहां इंद्रधनुष में शाहरुख खान के साथ हुई थी और वहां मैंने वो सीरियल कर ली थी, शाहरुख खान ने वो रोल इनकार कर दिया था, लेकिन हमारी सफर उस दिन से शुरू हुई, इसीलिए ये सीरियल मेरे दिल में बहुत बड़ी जगह ले चुकी है। लेकिन अदर देन दैट मैं बहुत एम्बैरेस्ड हूं कि मैंने उस सीरियल में काम किया।
रणबीर कपूर थोड़े दिन पहले हमारे शो पे आए थे, जी, जी. उन्होंने आपके एक्टिंग करियर के बारे में कुछ विशेष टिप्पणी की थी. जी. विशेष टिप्पणी इन आई मीन टू से यू आर वेरी क्लासिक गाय. आई एम अ क्लासिक. विशेष टिप्पणी मींस टू से स्पेशल ओपिनियन. या जी मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा सकता हूँ. बॉम्बे वेलवेट तो नहीं दिखाओगे ना? नो, बिल्कुल नहीं. जब हम तीनों बॉम्बे वेलवेट कर रहे थे तो सबको पता है कि करण जौहर की पहली डेब्यू फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे थी. जी. उन्होंने शाहरुख सर के दोस्त का किरदार निभाया था, लेकिन उनको अवार्ड नहीं मिला था और वो अवार्ड के भूखे हैं. मतलब अवार्ड तो चाहिए उनको. शूटिंग के दौरान कहा था कि आई होप पीपल फॉरगेट बॉम्बे वेलवेट मेरी, सॉरी दिलवाले दुल्हनिया मेरी डेब्यू फिल्म है, क्योंकि मुझे सारे अवार्ड्स ये फिल्म के लिए चाहिए. अच्छा. जैसे फिल्म रिलीज हुई जो पलटी मारा, मेरी तो दिलवाले दुल्हनिया डेब्यू फिल्म थी. तो पूरा मतलब पारी ऑफ ही कर दिया. तो मतलब पहले आपका डेब्यू एक्चुअली फिल्मों में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से हुआ. मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ सबसे लंबी रनिंग फिल्म है बॉम्बे वेलवेट का क्या पता, लेकिन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मेरी पहली फिल्म. पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मैंने बहुत बार देखी, उसमें आपका रोल इतना ज्यादा नहीं था जितना बॉम्बे वेलवेट में था. ये बार बार मुझे बताने का कोई अगर आपको कारण है तो आप मुझे अभी बता दो. नहीं ऐसे जैसे क्या करूं, वहाँ फुल लेंथ रोल था. मैंने जब सुना तो मैंने कहा कि भाई मुझे विलेन का किरदार कौन देगा, तो मैं हाँ कर दूं. पिक्चर जब मैंने देखी 3 घंटे लंबी थी और फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा. पर सर आपको विलेन का किरदार करने में इतना इंटरेस्ट क्यों था? अरे प्यार भरी फिल्में बनाते हैं आप. हाँ तो मैंने सोचा कुछ अलग करूं, लेकिन अलग करना नहीं चाहिए, लोग एक्सेप्ट नहीं करते. मैं कह रहा मुझे मैं इतना कहूं कि फिल्मों से भरोसा उड़ गया था उस साल, वेलवेट कपड़े से भरोसा उड़ गया था, और एक्टिंग करने से तो बिल्कुल उड़ गया. और उसके बाद कपिल मैं कहूँ मुझे एक भी ऑफर नहीं आया, एक भी नहीं, एक बुरा ऑफर भी नहीं आया ताकि मैं ना कर सकूँ. एक भी फोन नहीं मेरा बजा कि कोई आके ये कर लो, स्पेशल अपेयरेंस कर लो. मैंने इतनी भद्दी थी क्या मेरी एक्टिंग, और या तो पिक्चर इतनी बड़ी फ्लॉप थी कि फिर वो नहीं सोचा कि मैं शायद. नहीं नहीं आपने बहुत अच्छा एक्ट किया सर. मैंने आप सीधे फेस के साथ ये कह रहे हैं तो मैं आपको एक प्राइज देना चाहूंगा. पर मैं सर मैं आई लव यू सो मच. पता है आपके हमारे सोफा में बहुत सारा वेलवेट था पहले, पर जब पता चला आप आने वाले मैंने थोड़ा निकलवा दिया. तो प्लेन कपड़ा रखें. अच्छा किया, अच्छा किया. ये अपने सेट पे आर्टिस्ट से क्या क्या करवाते हैं ये अनुष्का ने हमें बताया था. आपको सर बताता हूँ सर, आपके सामने बोलते नहीं, पीठ के पीछे कितना कुछ बोल के जाते हैं. दिखाई जरा, मैं सोशल नेटवर्किंग पे फोटोग्राफ्स देखे कुछ कि रणबीर को करण सर कुछ नहीं बता रहे हैं कि कैसे करना है क्या नहीं करना है, अनुष्का को सीन कर करके बता रहे हैं. अब मुझे पता नहीं कि वो इनको कुछ सिखा रहे थे या उनका खुद हीरोइन की एक्टिंग करने का दिल कर रहा था. बिगिनिंग में क्या हुआ कि हम सेट पे पहुंचते थे तो डायरेक्टर बोलते हैं एक्टर्स को कि ओके गाइस आप सीन करिए, एक्टर्स ब्लॉक करते हैं सीन को, हम पूरा सीन इनएक्ट करते हैं जी, एंड देन शॉट लगता है जो भी. पहले कुछ दिन मैं आती थी सेट पे, रणबीर अपना पार्ट कर रहा होता था और करण मेरा पार्ट कर रहा होता था और दोनों एक दो अपने बीच में सीन कर लेते थे और मैं बस देखती रहती थी ये क्या हो रहा है. हमारे पास तस्वीरें भी, मैं सबको दिखाता हूं यहां पे. प्लीज जरा दिखाइए क्या हो, ये देखिए. वो देखिए करण जौहर पूरा एंजॉय करते करण सर अपने दोस्तों को. एक और है हमारे पास, पेश कर रहे हिंदुस्तान के मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर. अनुष्का से ज्यादा फीलिंग ली करण सर. मैं क्या करूं कपिल, अंदर छुपी हुई अभिनेत्री है. अच्छा करण सर की फिल्मों में एक कैमियो जरूर रहता है, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर में काजोल ने कैमियो किया, ए दिल है मुश्किल में शाहरुख भाई ने किया जी. तो ये मतलब आपकी दोस्ती उनसे इसलिए हो जाता है कि आपको कैमियो के पैसे नहीं देने पड़ते या ऐसे ही होता है? ऐसे होता है. देखो हमेशा अपने रिश्तों का फायदा उठाना चाहिए, वरना रिश्ता बनाने में कोई फायदा नहीं होता. तो इसलिए मैं हमेशा, मेरे रिश्ते ना ATM कार्ड्स की तरह है. Okay. तो जब चाहो मैं स्वाइप कर लेता हूँ. तो हर फिल्म में 2-3 बार मेरे स्वाइप होते रहते हैं, और आजकल तो जरूरी भी है स्वाइप करना, क्योंकि वरना मैं लाइन्स में खड़ा नहीं कर सकता. करण सर की सारी फिल्म इंडस्ट्री के साथ दोस्ती है, बड़ा अच्छा रिलेशन है इनका सबके साथ, कोई इनको किसी काम के लिए मना नहीं करता. जैसे अभी कह चुके हैं स्वाइप कर लेते हैं, कैमियो कर जाओ आके. सर मैं आपको 5 एक्टर्स के नाम लूंगा, आपको उनके बारे में एक कोई ऐसी बात बतानी है जो किसी को नहीं पता है. आई मीन जो एक्चुअली ऑफिशियली नेशनल टेलीविजन पे. आई मीन यू डोंट नीड टू से एनीथिंग पर्सनल, वेरी पर्सनल, बट यस लाइक दैट. लाइक ओके द फर्स्ट वन इज करीना कपूर. करीना कपूर ना,
और रणबीर कपूर में दोनों ये दोनों है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री. अच्छा एक है एक होता है करीना कपूर के पास सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है okay. और ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर उनके रणबीर कपूर है. तो ये जो भाई बहन है ना ऐसी इंडस्ट्री की कोई खबर नहीं जो करीना कपूर नहीं जानती. वो सुबह उठती है और उसका अपना इंफॉर्मेशन का काउंटर खुल जाता है. वो ऑनलाइन जाती है फोन पे ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे और शाम तक उसको सब पता हो जाता है कौन क्या पहन रहा है किस एयरपोर्ट से क्या निकल रहा है कहाँ जा रहे हैं कोई किसके साथ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है सब कुछ. और फिर शाम को अगर रणबीर कपूर को मैं फोन कर लूँ तो वो ब्रॉडकास्टिंग हो जाती है मुझे वही बता. तो ये है उनकी खासियत. ओके बड़ी अच्छी खासियत है वैसे. व्हाट अबाउट सिद्धार्थ मल्होत्रा? सिद्धार्थ मल्होत्रा हैज अ ग्रेट लव फॉर एनिमल्स. अच्छा उनके शायद कोई इंसान के साथ कुछ हो जाए उनके आंखों में आंसू नहीं आएंगे. अच्छा लेकिन एनीथिंग ही इज वेरी वेरी बिग सपोर्टर ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल वेलफेयर लाइक अनुष्का शर्मा. वेरी नाइस. और अनुष्का शर्मा का भी यही प्रॉब्लम है. अनुष्का शर्मा एक शॉट दे रही थी दिल है मुश्किल में ओके. और वो बीच शॉट में वो कर रही थी कुछ एक्टिंग और सडनली शी टर्न्ड अवे बिकॉज उन्होंने देखा कि एक कुत्ता वाज क्रॉसिंग द रोड एंड वाज किसी ओनर के साथ नहीं था okay. तो बीच शॉट में वो भागने लगे कहीं और. मैंने सोचा उसको कोई दौरा पड़ा है कि पता नहीं क्या हो गया उसको कि बीच शॉट में उसने शॉट छोड़ के भागने लगी. सडनली शी वेंट अक्रॉस द रोड एंड पिक्ड अप दिस डॉग एंड सेव्ड एन आई फेल वेरी गुड. इट्स अ गुड वेरी नाइस. सिद्धार्थ मल्होत्रा का भी यही है कि और उनका अपना एक डॉग है ऑस्कर और वो आई थिंक वो ऑस्कर से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं. वो ही उनका ऑस्कर है. और ये बड़ी अच्छी बात है. आई एम सेम लाइक सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड आई लव एनिमल्स. वेरी गुड. एंड वन थिंग अबाउट दीपिका पादुकोण. आई लव पादुकोण. दीपिका पादुकोण बहुत टॉल ब्यूटीफुल और सेक्सी है लेकिन वो बहुत ही ओवर सेंसिटिव है. ये शायद लोग नहीं जानते क्योंकि हमेशा उनका एकदम पॉइस की तरह बैठती हैं ठीक तरह बोलती हैं जब वो डांस करती हैं उनकी अदाएं परफेक्ट होती हैं लेकिन उनके दिल के मामले में वो बहुत 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 ओवरटली सेंसिटिव है. बहुत आसानी से रो लेती हैं दीपिका. सेम हेयर दीपू. वन थिंग अबाउट शाहरुख खान. वन थिंग अबाउट शाहरुख खान की वो बाथरूम में 4 घंटे बिता सकते हैं. अब वहां करते क्या है आज तक मैं और गौरी और बच्चे नहीं समझ पाए. जैसे शाहरुख खान कहता है कि मैं बाथरूम जा रही थी से नो सारे बता तो उसके बाद 4 घंटे गई के नहीं गए पता नहीं. उस बाथरूम उस अपना लाइब्रेरी बना लेते हैं ऑफिस बना लेते हैं पता नहीं करते क्योंकि नॉर्मली कोई इंसान 4 घंटे बाथरूम में नहीं बैठ सकता. 1.5 घंटे तक तो मैंने देखे हैं मतलब मैं आपको नहीं, इनका 4 घंटे का जाते जैसे ही बाथरूम गए जस्ट कैलकुलेट फॉर अस. और दी अदर थिंग शाहरुख सब कहे ना कि आई एम 10 मिनट्स अवे. ओके कभी उस बात का यकीन नहीं करना चाहिए. वो शायद थाने में होंगे और आप मलाबार हिल में हिल से आई एम 10 मिनट्स अवे लेकिन कि शाहरुख खान है उनका इंतजार करना तो बनता है. बनता है बिल्कुल. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.